पिछले वीडियो में हमने बात करी वृद्धि संधि की और आइए अब बात करते हैं यण संधि। इ, ई, उ, ऊ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो इ, ई, का यह हो जाता है, उ, ऊ, का व हो जाता है और री का र हो जाता है। जैसे यदि योग अपि, यद्यपि, अति योग आचार अत्याचार, अति योग अंत अत्यंत, इति योग आदि इत्यादि। यहां ये जानना भी आवश्यक है कि ये दोनों मिलकर के यह हुआ और उससे पहले का जो वर्ण था वो ये रहा। इसी प्रकार देवी योग अर्पण, देव्यर्पण, देवी योग आलय, देवालय, ऊपरी योग उक्त। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त, नी योग माफ कीजिए उन, न्यून, अति योग उत्तम अत्युत्तम, प्रति योग उष प्रत्युष। इसी प्रकार शशि योग उदय। ध्यान दीजिए, शशुदय, नदी योग उर्मी नदी उर्मी। इसी प्रकार देखिए सु योग अच्छ। देखिए यहां ऊ के बाद आ आया है और इसीलिए ये परिवर्तित हो गया व में स्वच्छ। ठीक इसी प्रकार गुरु योग आदेश, उ और अ मिलकर हो गया व। देखिए गुरु आदेश, अक्सर हम जब छोटे थे तो इस शब्द को लिखने में गलतियां किया करते और यहां आ लिख दिया करते। वधु आगमन, ध्यान दीजिएगा वधवागमन। इसी प्रकार अनु, इति, अन्विति, अनु, ईक्षण, अन्वीक्षण, अनु, एषण, अन्वेषण, पितृ, अनुमति, पितरानुमति। देखिए री और आ मिले और बन गया रौ। इसी प्रकार मात्र और आ मिले और बन गया रा। ठीक इसी प्रकार पितृ उपदेश, पितृउपदेश। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ आपको इस वीडियो से समझ में आएगा, इसके बाद अभ्यास भी करते रहेंगे तो फिर चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।